आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजलासों का दौर जारी है। दिल्ली के बाद आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग में लोग जम्मू कश्मीर से पार्टी के तकरीबन 2000 रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। इस मीटिंग में पार्टी के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी योम पैदाइश पर दिल्ली में गुलहाय अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वर्सटाइल टैलेंट थे। अपनी पूरी जिंदगी में मुखर्जी एक मुहिब वतन, माहिर तालीम और समाजी इंसाफ के हामी रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के मफादात के खिलाफ काम करती है, जिससे वो कुछ सीटें जीतती है। बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसकी बुनियाद नजरियात पर है। उन्होंने कहा कि ये रियासतों में पार्टियों से लड़ती है और कौमी सतह पर इत्तेहाद में शामिल होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2018 में एक जुरतमंदाना फैसला लेकर साबित किया है। बीजेपी ने राम मंदिर की तामीर की, जो हमें एक ऐसी पार्टी बनाती है जो अपने नजरिए के मुताबिक वादों को पूरा करती है। और सीधे लिए चलते हैं, जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मैं दुनिया के सामने बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन में, आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ 2.7% बता, जर्मनी का 0.2% बता दी है, फ्रांस का 0.7% बता दी है, जापान का 0.9% बता दी है, यूके का आधार चुनाव संपन्न हुए 0.5% बता दी है, और भारत का ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 6.8% बता दी है, 6.8%। ये पढ़े लिखे बड़ों को मैं क्या समझा, इनको समझ नहीं आता कि तिवारी विनोद पेट्रोल की सरकार ने भारत की अर्थनीति और भारत की आर्थिक जो नीति थी वो 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया उसको 50 कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना
मेरी कंपनी में 85% सर्वे इंग्लिश लास्ट रोड से हम गवर्नमेंट में पहुंचा 85%। और मेरा एक्सीडेंट आता था एक्सीक्यूटिव इंजीनियर नड्डा साहब, आपको इस साल पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने के लिए 40 लाख रुपए मिले, बताइए कहां खर्च करो। मैं कहता था 40 तो नहीं सड़ते कहां खर्च करो, एक एक लाख लगा तो मेरे को तरकीब बताओ। नहीं ऐसा करते हैं, कोई दो सड़क बना दो बता दो, मैं 20-30 लाख उसमें लगा दूंगा, कम से कम 18 किलोमीटर तो बन जाएंगे। ये हमारे देश का हाल था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम शुरू हुआ और आपको जानकर खुशी होगी आज मेरे इलाके में कोई भी गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए से वंचित नहीं है, सारी पक्की सड़कें बन गई है। यह परिस्थिति आपके और इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आप बताओ आपके गांव में सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। और जब ये कन्वॉय चलता था